तो बच्चों हम लोग रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स पढ़ रहे थे। आई थिंक रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स में मैंने लिक्वेशन के बारे में बता दिया, राइट? बता दिया ना। हाँ, उसके बाद मैंने डिस्टिलेशन डिस्टिलेशन। बताया, जोन रिफाइनिंग मैंने नहीं बताया विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्यूपिलेशन मैंने बता दिया है तुम्हें, तुम बोलोगे हाँ। पोलिंग मैं बताने वाला हूँ, आइए पहले मैं पोलिंग बता दूँ, मैं अपने हिसाब से बताता हूँ फिर तो देख ही लेंगे। हाँ समझ में आ रहा है ना हाँ सर। आर्यन? आर्यन से पूछ रहे थे भाई दबे, ठीक है। अब देखो, ओके ओके, तो मैं बोल रहा हूं पोलिंग क्या होता है, ध्यान से सुनो। जब इम्प्योरिटी उसके खुद का मेटल ऑक्साइड हो, इम्प्योरिटी सेम मेटल ऑक्साइड हो, तुम बोलोगे कुछ समझ ही नहीं आया है ना, कुछ मामला नहीं समझ आया। तो हम बोल रहे हैं, मान लो तुमने कॉपर लिया है और कॉपर के साथ इम्प्योरिटी कॉपर ऑक्साइड ही है उसके साथ। अब बोलो तो इसको हटाना है, तो हम इसके लिए क्या करते हैं छोटू, हम इसके लिए क्या करते हैं, एक बर्तन लेते हैं, ठीक है, उसमें उस चीज का मॉल्टन या लिक्विड स्टेट में चीजें डालते हैं, और इसको लकड़ी से, ग्रीन वुड से, क्या कहते हैं, ग्रीन वुड स्टिक, इसे क्या कहते हैं दोस्त, मैं लिख देता हूं, ग्रीन लो, तुम लोग भी ग्रीन कलर से बना लेना भाई, इसे कहते हैं ग्रीन वुड स्टिक। इससे हम क्या करते हैं दोस्तों, मिक्स करते हैं इसको, स्टिर करते हैं ऐसे 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 ऐसे, गोल 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 मिक्स करते हैं। अब होता क्या है ग्रीन वुड में होते हैं हाइड्रोकार्बन, क्या होते हैं दोस्तों, हाइड्रोकार्बन, जो वहां पे रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहे होते हैं। जैसे मान लो कोई मेटल ऑक्साइड इम्प्योरिटी है ना, मेटल में उसी का ऑक्साइड है, तो यहाँ पे मान लो मिथेन ले लिए या कुछ भी ले लिए, है ना, ये हाइड्रोकार्बन इस ग्रीन प्लांट में होते हैं या ग्रीन स्टिक में होता है। अब इससे क्या होता है, मेटल तो हमें मिल जाता है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड हवा में उड़ जाता है और साथ में H2O बन जाता है। बोलो ये है पॉलिंग। ये क्या है पॉलिंग, कब यूज करेंगे, जब किसी मेटल का खुद का मेटल ऑक्साइड उसके साथ में, थोड़ा सा ठीक बताइए। हाँ सर, अब बात करते हैं थोड़ा सा जोन रिफाइनिंग। जोन रिफाइनिंग एकदम प्योर बना देता है चीजों को। जोन के बारे में लिखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम लोग लैपटॉप चलाते हो या टीवी चलाते हो या मोबाइल चलाते हो, तुम बोलोगे सर सब कुछ तो चलाते हैं। इंडिया में अभी इस चीज को लेके मोदी जी, देखो मोदी जी का मैं बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, बट उन्होंने काफी अच्छा काम किया है ना इस चीज के क्षेत्र में। वो न्यूज हम पढ़े थे कुछ दिन पहले, तो चाहते हैं कि भारत भी सेमीकंडक्टर का हब बने। तो सेमी कंडक्टर जो होता है ना, इन सब चीजों से ही बनाया जाता है, हमारा स्क्रीन वस्क्रीन जो है ना, सब सेमी कंडक्टर का बना। तो सेमी कंडक्टर ऐसे मेटल्स होते हैं जो हाई प्योरिटी के साथ होते हैं, यानी उनमें प्योरिटी 99.99999% तक प्योर होते हैं, इतना प्योर बनाया जाता है, समझ रहे हो। और जिसका प्योरिटी जितना ज्यादा होता है उसका सेमी कंडक्टर उतना महंगा बिकता है। इसीलिए महंगे महंगे टीवी सब देखोगे ना, उसका जो दाम बढ़ता है सिर्फ और सिर्फ उसके सेमी कंडक्टर की वजह से, है ना, क्योंकि ये बहुत महंगा आता है, इंडिया में बनता भी नहीं है, ताइवान से सब आता है, ठीक है। सेमीकंडक्टर सभी देश नहीं बनाते हैं, मुझे तो लगता है मोस्टली ताइवान से ही लाते हैं, इंपोर्ट करते हैं छोटा सा, ठीक है। आओ तो जोन रिफाइनिंग किस सिद्धांत के ऊपर काम करता है, ध्यान से सुनिएगा। वो कहता है जोन रिफाइनिंग, इम्प्योरिटी इज मोर सॉल्यूबल इन मोल्टन स्टेट। मोल्टन स्टेट, अब तुम लोग बोलोगे ये तो कॉमन सेंस वाली बात है, देखो कैसे मैं बोल रहा हूं, एक लोहा है ऐसे सॉलिड में और एक लोहा है मोल्टन स्टेट में, तो किस में ज्यादा सॉल्यूबल होगा इंप्योरिटी, इसमें या इसमें, कॉमन सेंस क्या कहता है, तुम बोलोगे सॉल्यूबल होगा किस में, जो मोल्टन स्टेट में उसी में ज्यादा सॉल्यूबल होगा, हाँ या ना, बोलो बोलो, हाँ अरे सर। बताइए, हाँ या ना। तो हम क्या करते हैं इसमें, इसी सिद्धांत की मदद से इसको प्योर करते हैं किसी भी मेटल को, है ना। और इसमें एक चीज नोट करना है, क्या करना है नोट, यूज टू प्रिपेयर सेमी कंडक्टर, यूज टू प्रिपेयर, फिजिक्स में पढ़ेंगे, मॉडर्न फिजिक्स में इसके बारे में, सेमी कंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे, मतलब जोन रिफाइनिंग के बारे में नहीं पढ़ेंगे। यूज टू प्रिपेयर सेमी कंडक्टर एंड हाई प्योरिटी मेटल्स, हाई प्योरिटी मेटल्स। अब होता क्या है देखो, ये मान लो हमारा एक मेटल अंदर ले लेते हैं, अंदर
ऐसे ये ऐसा कुछ ले लो, ये मेटल हो गया। इस मेटल को हम क्या करते हैं, इस मेटल को हम क्या करते हैं, एकदम गर्म गर्म, देख लो, गर्म गर्म चीज से गुजरवाते हैं। तो ऐसे गुजरवा रहे हैं, ऐसे, है ना? देखना चाहते हो? बोलेगा हाँ देखना तो चाहेंगे। अरे यार, गाड़ी को एक साथ चला के देखते हैं। ऐसे देखो, यहां से ला रहे हैं, यहां से ला रहे हैं, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ले जाएंगे। समझ आया बात? तुम बोलोगे हाँ। और ये सब क्या है? ये सब हीट करने वाला पार्टिकल, हीट करने वाला हम लोग सिस्टम लगा के रखे हैं साइड में। एक्चुअली इसको हीट रोलर कहते हैं, ठीक है? बट ठीक है, जो भी है। तो हम लोग यहाँ पे डाल के रखे हैं, और जैसे जैसे ये गुजरेगा तो पहले ये थोड़ा लिक्विड हो जाएगा, तुम बोलोगे हाँ। फिर आगे जाएगा तो इसको थोड़ा ठंडा करते जाते हैं, लिक्विड पीछे की तरफ बनता जाता बनता जाता बनता जाता, तो इम्प्योरिटी पीछे 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 पीछे, और यहीं पे इसी मेल्टिंग, इसी गर्म के आसपास रह जाता है इम्प्योरिटी, है ना? वो पीछे छूटता जाता छूटता जाता छूटता जाता, फाइनली इम्प्योरिटी इधर आ जाता है और इसको हम काट के हटा देते हैं। बोलो, समझ आया? समझ आया? क्योंकि जैसे ही गुजरता है तो वो लिक्विड बनता गया, तो लिक्विड में वो पीछे की तरफ, लिक्विड में ही वो डिजोल्व होना ज्यादा चाहेगा, तो वो आगे जाता ही नहीं है, पीछे ही रहता है, यानी इसी इसी रीजन में रह जाता है, गर्म वाले रीजन में, क्योंकि यहाँ लिक्विड है, जमा होता जाता होता जाता होता जाता, जबकि आगे बढ़ता जाता आगे बढ़ता जाता आगे बढ़ता जाता आगे बढ़ता जाता है, यहाँ लिक्विड, और फाइनली जो बचता है उसको काट। बोलो, कोई दिक्कत? और इसकी मदद से हमें क्या हाँ मिलता है? प्योर मेटल। क्या मिलता है? प्योर मेटल। इसे कहते हैं जोन रिफाइनिंग। क्या कहते हैं? जोन रिफाइनिंग। इंपॉर्टेंट है, क्या याद रखना है? सेमी कंडक्टर बनाते हैं इसकी मदद से। क्या बनाते हैं? सेमी कंडक्टर। किस किस के लिए यूज किया जा सकता है? तो इसको यूज किया जाता है सिलिकॉन के लिए, सॉरी, बोरोन के लिए। हाँ, बोरोन के लिए किया जा सकता है, गैलियम के लिए, इंडियम के लिए, जर्मेनियम के लिए, इन सब चीजों के लिए। बोलो, कोई दिक्कत है? आगे बढ़े, बताइए। हाँ सर, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ठीक है। ग्रेट। अब बात करते हैं वेपर फेज रिफाइनिंग का। किसका बात करेंगे? वेपर फेज रिफाइनिंग। मान लो हमारा मेटल है, ठीक है, उसमें कुछ इम्प्योरिटी मिला हुआ, और ये दोनों नॉन वोलाटाइल है। क्या है? नॉन वोलाटाइल। समझ में आएगा? नॉन वोलाटाइल यानी जिसको गर्म करोगे तो वो उड़ेगा नहीं, जिसको गर्म करोगे तो वो उड़ेगा ही नहीं। बताओ, कोई दिक्कत आए? ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसमें कोई एक्स्ट्रा अलग से कोई एलिमेंट ऐड कर देते हैं, कोई केमिकल ऐड कर देते हैं। तुम बोलोगे ठीक, ये केमिकल क्या होता है? वोलाटाइल होता है। ये अभी तो दोनों नॉन वोलाटाइल था, नॉन वोलाटाइल यानी उड़ेगा नहीं, कितना भी गर्म कर लो कंटेनर में ही बैठा रहेगा, है ना? तो बोलोगे ठीक है, इसमें हमने कोई केमिकल ऐड कर दिया, जिसकी वजह से अब इसका नेचर क्या हो गया? अब इसका नेचर हो चुका है वोलाटाइल। क्या हो गया अब इसका नेचर? वोलाटाइल, एमएक्स। तो हम जैसे ही गर्म करेंगे इसको तो इम्प्योरिटी तो वही रह जाएगा बर्तन में, और ये एमएक्स कहाँ आ जाएगा दोस्त? ये एमएक्स वेपर बन के उड़ जाएगा, ये वेपर बन के उड़ जाएगा, हम इसको कलेक्ट कर लेंगे। समझ आया? लेकिन तुम बोलोगे अरे सर ये तो गलत हो गया ना। हम बोलेंगे क्या गलत हो गया? तो तुम बोलोगे इसको प्योर करना था, ये देखिए फिर से एमएक्स आ गया। तो हम बोलेंगे अरे हाँ ये तो है। तो हम ऐसा केमिकल लेते हैं जो इसको वोलाटाइल तो बना दे, लेकिन इसके साथ तुरंत अलग हो जाए जैसे ही थोड़ा सा हीट दे। तो इसको थोड़ा सा हीट देंगे, डिकम्पोज हो जाएगा, एम अपना अलग हो जाएगा, एक्स अपना अलग। समझ आया? इसे कहते हैं वेपर फेज रिफाइनिंग। ऐसा केमिकल डालो कि मेटल को मेटल के साथ ये रिएक्शन करके नॉन वोलाटाइल से इसको वोलाटाइल बना दे, फिर गर्म करो, इम्प्योरिटी बर्तन में ही रह जाएगा, ये उड़ के चला जाएगा, इसको कलेक्ट कर लो, फिर इसको थोड़ा सा हीट दो, डिकम्पोज हो जाए। तो ऐसा लेना है कि इसके साथ परमानेंट नहीं रह जाए, है ना? परमानेंट रह जाएगा तो फिर तो इम्प्योर ही हो गया ना, है ना? समझ आया कि नहीं आया? बताइए। हाँ सर, समझे। अब इसका एग्जाम्पल, इसी में दो एग्जाम्पल होता है वेपर फेज में, एक होता है मॉन्ट्स प्रोसेस, एक होता है वान आर्कल प्रोसेस, दोनों इसी के अंदर आते हैं। मॉन्ट्स प्रोसेस, मॉन्ट्स प्रोसेस में क्या किया जाता है, निकल को उसके इम्प्योरिटी से अलग करने के लिए हम यूज कर लेते हैं दोस्त कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या यूज करते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड। जैसे ही आप इसको हीट करोगे तो ये बना देता है निकल और कार्बन मोनोऑक्साइड का चार बार ऐसा कुछ बना दिया, है ना? कंपाउंडिंग के साथ रिएक्ट करके हीट करो, ये अलग हो जाएगा, प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड उड़ जाएगा। क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा, और ये हमें प्योर मिल गया। ये हमें क्या हो गया? प्योर मिल गया। एक्चुअली इसको ऐसे लिखते हैं, मैं बताता हूँ तरीका क्या है। ये ऐसे है, थोड़ा सा हीट दे रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ये बन रहा है
इसको कलेक्ट कर रहे हैं और हीट दे रहे हैं, थोड़ा सा ये टूटता जा रहा, तो निकल अलग हो गया। इसमें रिड्यूसिंग एजेंट क्या है? Ra, ये है कार्बन मोनोऑक्साइड। रिड्यूसिंग एजेंट कैसे कह सकते हैं, रिएजेंट सीधा बोलो, है ना, यहाँ कहाँ रिड्यूस कर रहा है कुछ। ठीक है, एक होता है वान आर्कल मेथड, सेम वही है, बस नाम अलग है क्योंकि अलग साइंटिस्ट ने किया है तो नाम अलग है। इसमें हम तीन जिराफ हाफते रफू चक्कर, याद है, तीन जिराफ हाफते रफू चक्कर, है ना, टाइटेनियम, जिरकोनियम, हॉफनियम, इन सब के लिए करते हैं, किसी के लिए कर लो। यहाँ रिएजेंट यूज करते हैं I2, आयोडीन यूज करते हैं, मान लो हम किसके लिए कर लेते हैं, जिरकोनियम कर ले, कर लो, तो प्लस इसका इंप्योरिटी, तुम बोलोगे ठीक, इसको भी हीट करो I2 के प्रेजेंस में, I2 के प्रेजेंस में हीट करो, तो ये क्या बना देता है, ZrI4। फिर इसको हीट करो तो I2 अपना अलग हो जाएगा और जिरकोनियम अपना अलग। ठीक है, वेपर फेज रिफाइनिंग, क्या है वेपर फेज रिफाइनिंग, एक का नाम है मॉन्स, एक का नाम है वान अर्कल। याद क्या रखना है, इसके रिएजेंट को, रिएजेंट को बस, किसके लिए यूज किया जाता है, क्योंकि नाम आ गया है इसलिए याद करना पड़ेगा, है ना, बताइए कोई दिक्कत। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, अब किसके लिए बात करेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करें, करें बात करें, आइए हाँ सर, समझ आ रहा ममता, या ऐसे ही बस क्लास में अपना आके ऐसे ही बैठी हुई हो। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ध्यान से सुनते जाइएगा, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग किसी के लिए कर सकते हो, किसी के लिए कर सकते हो, है ना, लेकिन जनरली किस किस के लिए किया जाता है, एल्यूमिनियम के लिए, जिंक के लिए, टिन के लिए, कॉपर के लिए, सिल्वर के लिए, गोल्ड के लिए, क्यों, अब इस सब के लिए क्यों किया जाता है, देखो ये थोड़ा महंगा प्रोसेस होता है, कागज पे पढ़ने में ना आसान लगता है लेकिन ये होता है थोड़ा सा महंगा। हमारे सिलेबस में कॉपर का दिया है तो हम कॉपर का अच्छे से डिटेल में बता देते हैं, बता दे क्या तुम बोलोगे, हाँ बता दीजिए। ठीक है, इधर देखो ये एक सॉल्यूशन ले लेते हैं कॉपर सल्फेट का, किसका ले लिया है, कॉपर सल्फेट, ध्यान से देखते जा, ये सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट, तुम बोलोगे ठीक, ममता ने मान लो कॉपर बना लिया है ना, ममता कॉपर तुम बना चुकी हो ना, उसने बोला हाँ सर कॉपर बना चुके हैं, तो ये कॉपर यहाँ पे डाल दें, देखो कितना मोटा सा कॉपर इसने बना के लाया, ये कॉपर इसने मतलब वो जो मेटल ऑक्साइड था ना वो सब हटा हटा के ये सब लाई है, तो ये इम्प्योर मेटल, ये क्या है कॉपर इम्प्योर, लिखते हैं कॉपर इम्प्योर, इसी को प्योर करना है, इसी को क्या करना है प्योर करना है, और इसमें हमने सॉल्यूशन में क्या डाला है, कॉपर सल्फेट, और इधर भी हम डालेंगे एक छोटा सा ये, तुम बोलोगे कुछ ज्यादा छोटा नहीं हो गया, तो हम बोलेंगे हाँ ये, लेकिन कॉपर जो है ना ये प्योर कॉपर है 100%, 100% कहने के लिए, बट प्योर है, प्योर कॉपर। ठीक है, अब देखो सेटअप, हमारा सेटअप तैयार हो गया, इसको बैटरी से कनेक्ट कर दो, इसको बैटरी से इधर कनेक्ट कर दो, तो ये हमारा बन जाएगा, ध्यान से सुनते जाइएगा, ये बन जाएगा प्लस यानी एनोड, इसको क्या बना दिया है एनोड, तुम बोलोगे ठीक, ये नेगेटिव, इसको क्या बना दिया है कैथोड, तुम बोलोगे सर कैथोड कुछ ज्यादा पतला आपने ले लिया है क्या, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है कैथोड पतला है, तुम बोलोगे हाँ, एनोड क्या है बहुत मोटा है, तुम बोलोगे हाँ, और क्या क्या लिया है, जिस चीज को हमें प्योर करना है, ध्यान से सुनिए, जिस चीज को प्योर करना है उसी का हमने एनोड बना दिया, है ना, और ये प्योर कॉपर का है और अंदर कॉपर सल्फेट तैर रहा है। जैसे ही तुम बिजली पास करवाओगे दोस्त, जैसे ही तुम बिजली पास करवाओगे दोस्त, ये कॉपर सल्फेट टूट जाता है, कैसे टूटता है, एक टूटता है Cu+2 में और एक सल्फेट SO4-2 में, तुम बोलोगे अच्छा ये Cu+2, ध्यान से देखो ये Cu+2 कूद कूद के इस पे जाना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि यहाँ नेगेटिव है ना, देखो तुम बोलोगे अरे हाँ, तो Cu+2 अगर पानी में से कूद के जाने लगेगा तो पानी में तो Cu+2 कम हो जाएगा ना दोस्त, अरे हाँ या ना भाई, हाँ या ना, बोलो ममता, इतना हाँ प्रेम से हाँ बता रहे सर, तुम रिस्पॉन्ड भी नहीं करे, तो Cu+2 कम हो जाएगा, तो यहां से Cu+2 कूद कूद के यहाँ आने लगेगा पानी के अंदर, अब पानी के अंदर कूद कूद के कौन आ रहा है Cu+2, की चल भाई कमी हम नहीं होने देंगे, आते जाएंगे, और यहाँ आता है और यहाँ जाता है, यहाँ आता है यहाँ आता जाता है, फ्यू मोमेंट्स लेटर, कितना मोमेंट्स लेटर ममता, फ्यू मोमेंट्स लेटर, फ्यू मोमेंट्स लेटर फ्यू मोमेंट्स लेटर कुछ यूं सीन हो गया, बोल गए सर ये तो गजब हो गया फिर है, वही तो। दुनिया ही बदल गया, जज्बात ही बदल गया, ये नहीं कॉपर नहीं इतना इधर से कूदा और इतना गया कि ये वाला अब मोटा हो गया, थिक हो गया, और ये क्या हो गया बहुत ज्यादा थिन हो गया, ये क्या हो गया बहुत ज्यादा थिन,
तो इस तरीके से हमने प्योर कॉपर यहाँ पे कलेक्ट कर लिया, ये हो गया हमारा प्योर, और इसकी वजह से इसका जो इम्प्योरिटी है वो नीचे बैठने लगता है थोड़ा सा गिर के टूट के, इसे हम लोग कहते हैं एनोड मड। क्या कहते हैं? एनोड मड। तुम बोलोगे सर ये तो फिर खत्म हो जाएगा, तो हाँ इसको आप हटाओ फिर से दोबारा लाओ जिसको प्योर करना, फिर से कॉपर का एक नया इलेक्ट्रोड डालो और फिर से एक नया बन जाएगा। समझ आया हुआ क्या है? यहाँ से कॉपर कूद कूद के कूद कूद के कूद कूद के यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, तो ये थिक हो जाएगा, ये थिन हो जाएगा, यानी हमारा इम्प्योर कॉपर क्या बन गया? प्योर बन गया। इधर देखो, इधर ऐसे, यहाँ से ये ऐसे। बताओ कोई दिक्कत है? बहुत सिंपल तरीके से समझाए हैं। नहीं कोई सर, दिक्कत ममता? नहीं कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। नहीं अब एक लास्ट है रिफाइनिंग प्रोसेस जिसे हम लोग कहते हैं, योगेश दादा समझ आ गया ना, जिसे हम लोग कहते हाँ हैं सर समझा। क्रोमैटोग्राफिक मेथड। ये लास्ट है, ये क्या है? रिफाइनिंग का लास्ट प्रोसेस जो हमारे में गिवन है, इसे हम लोग कहते हैं क्रोमैटोग्राफिक मेथड। मेथड ध्यान से सुनते जाओ, कुछ नहीं है। क्रोमैटोग्राफिक मेथड में हम एडसॉर्प्शन रेट के आधार पर ये काम करते हैं, एडसॉर्प्शन रेट। आर्यन समझने का कोशिश कर रहे हो थोड़ा थोड़ा? बोलोगे हाँ। अरे एडसॉर्प्शन तो पढ़े ही नहीं हो आर्यन तुम, हाँ सर। सरफेस केमिस्ट्री तो छूट गया तुम्हारा। कोई नहीं, सब देख लेना भाई, सब देख लेना। अब इधर आओ, मैं बोल रहा हूं मान लो हाँ सर। इम्प्योरिटी है A+B+C, और हम चाहते हैं कि इसमें से हम इन सारे को अलग अलग कर दें। तुम बोलोगे अच्छा तो ठीक है, इनको हम क्या करेंगे? अलग अलग करेंगे। देखो क्या होता है, एडसॉर्प्शन में दो चीज होता है। तुम बोलोगे अच्छा कौन कौन सा? एक होता है एडसॉर्बेंट, याद आ रहा है तुम लोगों को? तुम बोलोगे यस याद आ रहा है। एडसॉर्बेंट में हम इसको कहते हैं स्टेशनरी फेज, जो रुका हुआ फेज है। क्या है? जो रुका हुआ फेज है। तुम बोलोगे ओके, यानी ये अपने ऊपर चिपकाएगा चीजों को। एडसॉर्बेंट का मतलब क्या होता है? जो अपने ऊपर चिपकाता है। हाँ या ना? बोलो बोलो। अरे हाँ या हाँ ना? सर, यस। तो ये अपने अच्छा ऊपर चिपकाने वाले लोग हैं। कौन कौन हो सकते हैं इसमें? SiO2 हो सकता है, या तो Al2O3 हो सकता है। तुम बोलोगे ठीक। एक होता है मोबाइल फेज या एडसॉर्बेट। क्या होता है? एडसॉर्बेट, जो जाके चिपकेगा। क्या करेगा? जाके चिपकेगा, इसको कहते हैं मोबाइल फेज। ये मूव करता रहता है, ये क्या होता है? मूव करता रहता है। कुछ भी हो सकता है, A+B+C हमारा इम्प्योरिटी है ना, तो यही ले लो इम्प्योरिटी को ही, A+B+C। होता कैसे है ये, प्रक्रिया कैसे चलता है? आइए मान लो, और ये किसके लिए यूज करते हैं मैं बता दूं। मान लो A+B+C ऐसा कोई इम्प्योरिटी है जिसमें सबका केमिकल प्रॉपर्टी सेम, लगभग फिजिकल प्रॉपर्टी सेम, यानी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट लगभग सेम है ना, केमिकल प्रॉपर्टी भी लगभग सेम ही दिखा रहा है, तो इनको हटाएं कैसे? उन्हीं के लिए ये यूज किया जाता है क्रोमैटोग्राफी। इसमें एडसॉर्प्शन रेट इनका अलग अलग होता है, इनमें क्या होता है? एडसॉर्प्शन रेट अलग अलग होता है। तुम बोलोगे ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं? इधर देखना, सब कुछ बना दिया अजीब सा, ठीक है। इसमें हमने डाल दिया है एडसॉर्बेट, एडसॉर्बेंट, मान लो एडसॉर्बेंट डाल दिया ऐसे ऐसे, या एडसॉर्बेंट डाला हुआ है। तुम बोलोगे ठीक है एडसॉर्बेंट डाला, और इस पर से हम डाल दिए A+B+C, A+B+C। अब मान लो जिसका जल्दी चिपकने का रेट होगा, एडसॉर्प्शन का रेट जिसका बहुत ज्यादा होगा वो जल्दी चिपक जाएगा। तुम बोलोगे हाँ थोड़ा सा ही मिलेगा और वो चिपक जाएगा। तो मान लो ए यहाँ पे चिपक गया, ए यहाँ पे चिपक गया, डालते ही चिपक गया, डालते ही ये चिपक गया ए। तो तुम बोलोगे इसका तो सरफास था एडसॉर्प्शन। हम बोलेंगे हाँ, लेकिन दूसरे का इससे थोड़ा कम था तो वो यहाँ पे जाके चिपका, यानी थोड़ा देर तक रहने के बाद चिपका, और तीसरे का तो और भी कम था तो यहाँ पे जाके चिपका। समझ में आ रहा है? ये सी है और ये बी है, तो एडसॉर्प्शन रेट इनका अलग अलग हो गया ना, एडसॉर्प्शन का रेट अलग अलग हो गया। समझ आ रहा है? सबसे ज्यादा ए का था इसीलिए जल्दी चिपक गया, फिर बी, फिर सी। समझ आया? और हम अलग अलग कर लेंगे, ये हमारा अलग हो गया, ये अलग हो गया। बोलो बताइए बताइए, बोलो बोलो, दिक्कत है क्या? हाँ सर। हाँ दिक्कत है, क्या दिक्कत है? नहीं दिक्कत नहीं है, ओके समझा। ऐसा बोलो। समझा ठीक है। अब इस पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग, जिसे कहते हैं एलिंगम डायग्राम। क्या कहते हैं? एलिंगम डायग्राम। ये सब चीजें पढ़ लेना है बुक से जो मैंने पढ़ा दिया है, मैं एक बार देख लूँ एलिंगम एलिंगम डायग्राम दिया है कहाँ दिया है, मैं एक्स्ट्रा बनाने से अच्छा यहीं पे समझा दूंगा। ये सब पढ़ा चुका है, हमारे सिलेबस में कॉपर है तो कॉपर का ही पढ़ना, वो एक्स्ट्रा दे दिया होगा इसमें,
वो मत पढ़ना। देखो एल्यूमिनियम का पूरा दिया, सिल्वर गोल्ड का दिया, ये सब मत पढ़ना। इतना पढ़ोगे तो गजब हो जाएगा, जुल्म हो जाएगा। कॉपर पूरा पढ़ लेना, है ना। मैं बताऊंगा अभी अभी थोड़ा सा। एलिंगम, ये है एलिंगम डायग्राम, ये है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ठीक है, मैं एक बार देख लूं, देख तो सकता ही हूं, है ना। ये ऐसे कर दिया, ये ऐसे कर दिया। चल अब मैं इसमें ऐसा ऐसा चीज तुम लोगों को बताऊंगा, तुम लोग बोलोगे सर मजा दिला दिया। उसके बाद पूरा चैप्टर ही खत्म हो गया, ये लास्ट टॉपिक है। इसके बाद बस आयरन वाला जो फोटो डायग्राम वाला छोड़ देते ना, वो बस बताए। एक साइंटिस्ट आया और उन्होंने बोला कि बच्चों, बच्चों नहीं, वो तो लोगों को बोलेंगे ना, वो बोले कि दोस्तों आप लोगों को दिक्कत हो रहा है ना कि कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट होना चाहिए, किसकी मदद से हम किसको प्यूरिफाई करें, है ना। ये आपको बहुत दिक्कत हो रहा, तो अब से दिक्कत नहीं होगा, अब से दिक्कत नहीं होगा, हम आपको बताएंगे। तो बोला दुनिया वालों ने, भाई ठीक है। तो ये क्या किए, ये डेल्टा जी, नाम सुना हो, गिब्स फ्री एनर्जी, डेल्टा जी एंड टेम्परेचर, इसके बीच में एक ग्राफ बना दिया, है ना। ये क्या किए, एक टेम्परेचर और डेल्टा जी के बीच में ग्राफ बनाया। तो मुझे एक बात बताइए सभी लोग, डेल्टा जी का फॉर्मूला क्या पढ़े थे तुम थर्मोडाइनमिक्स में? तुम बोलोगे सर ये डेल्टा एच, सॉरी यार डेल्टा भी तो सही से लिखा था यार, ये डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस था। तुम बोलोगे हाँ सर ये तो था। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं थोड़ा सा घुमा के, तो इस बात से किसी को, सॉरी माइनस डेल्टा एस, है ना, टी प्लस डेल्टा एच, अगर मैं ऐसे लिख दूं तो इस बात से किसी को कोई दुख होगा क्या? सोच के बताओ, नहीं किसी को कोई सर। दिक्कत होगा? ठीक है, बहुत अच्छी बात। अब देखो अगर मैं इसको स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन से मैच करूं, तो तुम बोलोगे ये तो पूरा मैच कर जाएगा, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, बस यहाँ पे स्लोप नेगेटिव है, स्लोप यहाँ पे क्या है, बस नेगेटिव है। बताओ कोई दिक्कत दोस्तों, बताइए कोई दिक्कत? ठीक नहीं सर। है, अब देखो मैं ग्राफ इधर बनाऊंगा, मैं ग्राफ इधर बनाऊंगा, इस चीज को पूरे को लिखना है, एक एक पॉइंट लिखना है ना, अदरवाइज आई विल ब्रेक योर लेग्स। क्यों ममता, मैं तो ब्रेक कर सकता हूं ना, अधिकार है कि नहीं मुझे? है ना सर, आप टीचर हो। मैं टीचर कुछ भी टीचर है, इसीलिए हड्डी तोड़ सकते हैं क्या? एक इंसान बन के नहीं तोड़ सकते क्या? नहीं, टीचर हो इसलिए स्टूडेंट्स की हड्डी तोड़ सकते हो, ऐसे इंसान इंसान की थोड़ी तोड़ सकते। ठीक है, तो मुझे ये बताओ, ये डेल्टा जी और टी का हमने ग्राफ बनाया, और एक चीज इसमें ध्यान से सुनना है, इसमें ध्यान से सुनना है, जीरो यहाँ पे है दोस्त। तो तुम बोलोगे सर ये सब माइनस है, हाँ ये माइनस है, ये क्या है, माइनस है, बोलो कोई दिक्कत? पहले यही क्लियर कर देते हैं, ऊपर क्या है हमारा, जीरो, ग्राफ में जीरो होता है कि नहीं होता है दोस्तों? हाँ होता है। हाँ, तो ग्राफ का जो जीरो है ना, वो सबसे टॉप पे है, देखा ये जीरो है, ओमकार, समझ आ रहा है क्या? ठीक है ओके, अब देखिए, ध्यान से सुनते जाइएगा, ध्यान से सुनते जाइएगा, ये ग्राफ सब जैसे जैसे मैं बना रहा हूँ बनाना पड़ेगा। ये एक ऐसे मैंने लाइन बना दिया, एक ऐसे लाइन, चलो बना देते हैं, एक लाइन में ऐसे बना देता हूँ, ऐसे मान लो बना दिया, इक्वेशन लिख देते हैं कुछ भी, मान लो एम प्लस एम प्लस हाफ ओ टू गिव्स एमओ, ठीक है, मान लो एम प्लस ओ टू हमने लिख दिया एमओ, यहां पे एम एम ले ले या कोई और ले ले, मैं ले लेता हूँ यहाँ पे ए, यहाँ चलो बी ले लेते हैं, या यहाँ ए ले लेते हैं, यहाँ बी ले लेते हैं। ए बी क्या है, एक मेटल है, ए बी क्या है दोस्त, मेटल है, ठीक है, यहाँ पे ले लो बी, बी प्लस हाफ ओ टू गिव्स बी ओ, ठीक है, ऐसा कुछ मेटल है, ठीक, बताइए कोई दिक्कत है? तुम बोलोगे नहीं, मुझे एक बात बताना, डेल्टा जी नेगेटिव इसका ज्यादा है या इसका ज्यादा है, नेगेटिव में कम किसका है, और अगर मैग्नीट्यूड का सिर्फ बात करें तो ज्यादा किसका है, बोलो। अरे ग्राफ देख के क्या लग रहा है यार, कैसे रिस्पॉन्स कर रहे हो, मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड का सिर्फ बता दो, छोड़ो मैग्नीट्यूड बताओ किसका ज्यादा होगा, मैग्नीट्यूड बताओ बस, छोड़ो बाकी चीजें,
वाले इक्वेशन का। बी वाले का ज्यादा होगा। अगर मान लो इसका माइनस मैं लिख देता हूं 500 और इसका मैं माइनस लिख देता हूं 300, तो मैग्नीट्यूड किसका ज्यादा होगा? तुम बोलोगे मैग्नीट्यूड तो सर 500 का लग रहा है ज्यादा, क्योंकि नीचे जाते हैं तो नेगेटिव में वैल्यू बढ़ता है। क्या योगेश दादा? तुम बोलोगे हाँ हाँ सर, बिल्कुल सही बात है। तो आगे मैं कुछ लिखने वाला हूँ, देखना मैं इक्वेशन क्या बनाने वाला हूँ, ध्यान से सुनते जाना, लिखते जाना, यहीं पे लिखते हैं ना छोटा सा करके। तुम अगर मेरी भावनाओं को पकड़ लिए दोस्त तो मतलब मजा आ जाएगा। क्या हो जाएगा? मजा आ जाएगा, ध्यान से सुनना। हम बोल रहे हैं ए प्लस ओ टू लिख दे क्या? हाफ वाफ बहुत दिक्कत कर रहा है, हाफ हटा देते हैं, चलो ओ टू रहने दे। ए प्लस ओ टू जब मैं लिखता हूं तो हमें मिलता है ए ओ। तुम बोलोगे हाँ इसका डेल्टा जी कितना है? तुम बोलोगे सर इसका डेल्टा जी तो खैर हो गया -300। कितना है? -300। ध्यान से सुनते जाना। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ ये रिएक्शन खुद ही चलेगा, ये रिएक्शन खुद ही चलेगा, हाँ या ना? हाँ बताइए सो बताइए। हाँ सर, ठीक है ओके। दूसरा मैं अगर इसका उल्टा कर दूं, थर्मोडायनेमिक्स अगर किसी ने पढ़ा है तो वो समझ जाएंगे। अगर मैं मृणाली इसका उल्टा लिख दूं, ए ओ गिव्स ए प्लस ओ टू, तो क्या डेल्टा जी भी हमारा उलट हो जाएगा, प्लस में 300 आ जाएगा क्या? हाँ या हाँ ना? ठीक है कोई दिक्कत नहीं योगेश दादा? ठीक है नहीं सर, ओके। अब मैं लिख रहा हूं बी प्लस ओ टू, ये हमें दे रहा है बी ओ, और इसका डेल्टा जी कितना है? इसका डेल्टा जी है -500। ठीक, इसका डेल्टा जी है -500 ओके। इसका अर्थ ये हुआ, ध्यान से सुनते जाइएगा, इसका अर्थ ये हुआ, मान लो या चलो मानना भी नहीं है तो अभी मनवाते हैं, मैथमेटिक्स की मदद से पहले मानो उसके बाद हम मनवाएंगे। ये बी है ना? तुम बोलोगे हाँ सर ये बी हमको दिख रहा है। अगर इस बी को हम इस ए ओ के साथ रिएक्शन करवा दें तो क्या विचार है? तुम बोलोगे सर करवा के देखिए क्या क्या विचार है, अभी पता चल जाएगा। बोलोगे ठीक है आओ। हम इस बी प्लस ए ओ को आपस में रिएक्ट करवा दिए तो हमें मिला है बी ओ प्लस ए। तुम बोलोगे ऐसे कैसे मिल जाएगा? अभी मैं बता रहा हूँ, हाँ अभी मैं बता रहा हूँ। ऑक्सीजन जब इस पे जुड़ता है तो प्लस आएगा और इस पे माइनस आएगा। तुम बोलोगे हाँ, अभी जीरो पे था, अभी जीरो पे था, सब जीरो जीरो पे था। तुम बोलोगे हाँ, ये माइनस में आ गया, ये प्लस में आ गया। अब चार्ज बैलेंस बाद में करना कि -2 आएगा या नहीं आएगा, ठीक है? अभी तो मैं बस चार्ज दिखा रहा हूं। तो यहाँ पे ये जीरो था, ये जीरो था, ये प्लस ये माइनस, ये कितना है? प्लस ये माइनस, ये जीरो ये जीरो, ये क्या है? जीरो ये जीरो प्लस ये माइनस। तो मैं ये नहीं कह सकता कि जब ये जीरो से प्लस में जा रहा है यानी जब ये ऑक्सीडाइज हो रहा है तो ये एनर्जी रिलीज करता है। तुम बोलोगे हाँ, बताओ। हाँ सर कह सकते हाँ हो। सर, कह सकते हैं ठीक है योगेश दादा, कह सकते हैं। तुम बोलोगे हाँ कह सकते हैं। मैं ये भी कह सकता हूं कि जब ए प्लस से जीरो में जाता है तो ये एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। तुम बोलोगे हाँ, ये भी कह सकते हैं। कह सकते हैं? तुम बोलोगे बिल्कुल कह सकते हैं, ध्यान से सुनते जाना। ये क्या अभी जीरो में है? तुम बोलोगे हाँ। ये क्या अभी माइनस में गया है? तो जीरो से जब माइनस में जाता था बी तो करता क्या था? तुम बोलोगे सर जीरो से माइनस में तो जाने वाला नहीं दिख रहा, सॉरी जीरो से प्लस में जाने वाला होगा, गलत बोल दिया। जब ये जीरो से प्लस में जाता था तो इतना एनर्जी रिलीज करता था। हम बोलेंगे हाँ चलो -500 लिख देते हैं। योगेश दादा मुझे ये बताओ, जब ये प्लस वन से जीरो पे जाता था, जब ये प्लस वन से जीरो पे जाता था तो ये क्या करता था? तो ये 300 एनर्जी इसको चाहिए होता था तभी जाता था, हाँ या ना? हाँ ठीक है तो मैं वो भी लिख दूं, तो लो वो भी लिख एकदम लिया +300। नेट एनर्जी इस रिएक्शन में क्या होगा? तुम बोलोगे 200 एनर्जी अभी भी ये आपको देगा, बोलेगा कि ले जाओ, ये अभी भी रिलीज करेगा। तो जो एनर्जी -200 रिलीज हो रहा है इसका क्या अर्थ हुआ? तुम बोलोगे इसका ये अर्थ हुआ कि अगर आप इन दोनों को आपस में रिएक्ट करवाते हो तो ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, अपने आप हो जाएगा। ये एक स्पॉन्टेनियस है, अपने आप हो जाएगा। बोलो। अरे बताओ भाई, भाई -200 अच्छा अभी भी दे रहा है ना, तो नहीं होगा क्या? डेल्टा जी अभी भी -200 में चल रहा है पूरे इक्वेशन का। क्या मृणाली नहीं समझ में आया, ममता नहीं समझ में आया? डेल्टा जी अभी भी -200 में है। हाँ माइनस में नहीं रहता तो मैं समझ जाता कि भैया नहीं हो पाएगा, है ना? अगर ये -200 आया, इसका साफ साफ ये अर्थ है
ये बी बी अगर इस बी को आपने इसके साथ रिएक्शन करवा दिया तो इस बी का औकात है कि ये इससे इसका ऑक्सीजन छीन के चला जाएगा, यानी इसको रिड्यूस कर देगा, प्लस से कहां फेंक देगा, उठा के जीरो पे रिड्यूस कर देगा। इसको रिडक्शन ही कहते हैं ना, जब ऑक्सीडेशन स्टेट का वैल्यू कम होता है, प्लस से जीरो जाए या कम हो कैसे भी, बोलो रिड्यूस कर दिया कि नहीं कर दिया, औकात है कि नहीं है उसका करने का, है तो सही। साफ दिख रहा है भाई, साफ दिख रहा है। तो मैं कुल मिला के ये कहना चाहता हूं कि एलिंगम ग्राफ, उसमें जो नीचे वाला लाइन होता है ना, नीचे वाले लाइन पे जो भी होता है उसका औकात होता है ऊपर वाले को रिड्यूस कर देना, बस मुझे इतना ही कहना था। इतना जो मैंने ताल तमरिया किया ना, कुल मिला के मैं यही कहना चाहता हूँ, मैं यही प्रूव करने के लिए इतना सारा तीन पांच किया। गॉट इट या नहीं गॉट इट? क्या कहना मैं चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि एलिंगम डायग्राम में जो नीचे होते हैं ना वो ऊपर वाले को रिड्यूस कर सकते हैं, गॉट इट, वो ऊपर वाले को हाँ रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि डेल्टा जी तब भी नेगेटिव ही आता, और ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है। क्या होता है? स्पॉन्टेनियस। कुल मिला के यही बात है और कोई बात ही नहीं, बताइए कितने लोगों को ये बात समझ आया। सर। और एक और अंदर की बात बता देते हैं, अंदर की बात ये है कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है ना, ये ऐसा कुछ करके होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ध्यान से सुनो ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो ऊपर की तरफ होते हैं ये होते हैं हाईली रिएक्टिव। ये क्या होता है दोस्त? हाईली रिएक्टिव। तो ये जो हाईली रिएक्टिव होते हैं ना, इनको एलिंगम डायग्राम में नीचे वाला जगह मिलता है। जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सीरीज में ऊपर है वो एलिंगम डायग्राम में नीचे होते हैं। तुम बोलोगे अच्छा, इसका ये अर्थ हुआ कि एलिंगम डायग्राम में जो नीचे होगा वो ज्यादा रिएक्टिव होगा, वो लोगों को पकड़ पकड़ के रिड्यूस करेगा। तो जवाब है यस। गॉट इट? जो एलिंगम डायग्राम में नीचे होगा वो अपने से ऊपर वाले को रिड्यूस करने का औकात रखता है, बताइए गॉट इट या नहीं गॉट इट? एकदम क्लियर हो गया होगा मैं जो कुल मिला फिर के से एक कहना बार चाहता हूं। बोलो ना सर, आपने जो अभी बोला मैं हिंदी ये में। बोल रहा हूं कि एलिंगम डायग्राम में नीचे वही रहते हैं जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर रहते हैं, यानी हाईली रिएक्टिव मेटल्स। गॉट इट? नीचे वही रहते हैं जो इले इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर रहते हैं, या ऐसे समझो ना, हाईली रिएक्टिव मेटल्स एलिंगम डायग्राम में नीचे बैठते हैं। कोई दिक्कत है? बताओ। नहीं। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है भाई, इसको कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो अब इससे मुझसे क्या रिलेटेड हम लोग कुछ, पूछना हाँ बोलो बोलो, इससे रिलेटेड हम लोग कुछ और सवाल करेंगे, सीखेंगे, समझेंगे, है ना, कि क्या कैसे होने वाला है। एलिंगम डायग्राम को अच्छे से समझना है ना ममता? तुम बोलोगी हाँ सर था। हाँ समझना तो है। इसी को जरा देखो, इससे हमें पता चलता है स्लोप, लेकिन इसमें तीन केस हो सकता है, इसमें तीन केस हो सकता है। मुझे बताओ डेल्टा एनजी नाम सुने हो क्या तुम लोग? हाँ बोलोगे अरे हाँ सर डेल्टा एनजी का नाम तो सुने। क्या होता था? ये होता था अगर प्रोडक्ट गैसियस है माइनस रिएक्टेंट गैसियस है तो उनके बीच के हाँ मोल का डिफरेंस का ही हम बात करते हैं, है ना, याद आ रहा होगा, प्रोडक्ट माइनस यस रिएक्टेंट, रिएक्ट। लेकिन ओनली गैसियस फॉर्म, याद आ रहा, ओनली 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 गैसियस फॉर्म। अगर मैं बोल दूं डेल्टा एन जी हमारा पॉजिटिव आ गया, डेल्टा एन जी हमारा पॉजिटिव आ गया, तो एस भी हमारा क्या आएगा दोस्त? एस में ये पॉजिटिव वैल्यू अगर इसमें डालोगे एस में तो क्या होगा? तो भी नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव कितना होता है? नेगेटिव ही होता है, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। नेगेटिव ही होता है। बताओ कोई दिक्कत? तुम बोलोगे नहीं, तो मैं दो तीन केस लिख देता हूं। केस पहला, इफ, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा अच्छे से, डेल्टा एन जी पॉजिटिव तो भी डेल्टा एस क्या होगा दोस्त? नेगेटिव ही होगा, क्योंकि पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव होता है। तुम बोलोगे ठीक। अगर मैं बोल दूं कि डेल्टा एन जी, केस टू, इफ डेल्टा एन जी नेगेटिव तो क्या होगा? तब डेल्टा एस पॉजिटिव हो जाएगा, तब डेल्टा एस क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव नेगेटिव का अर्थ जानते हो क्या होता है? डेल्टा एस यानी स्लोप है, स्लोप जब नेगेटिव हो जाता है इसका अर्थ क्या हुआ? टॉप टू बॉटम, क्या होता है? टॉप टू बॉटम, पता है कि नहीं पता? ये सब बात पढ़े होगे, ये सब तो बॉटम लिखने वाली बात भी नहीं है। और पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? बॉटम टू टॉप, क्या होता है? से बॉटम टॉप। टू टॉप। तुम बोलोगे हाँ सिंपल सी बात है। अगर डेल्टा एन जी जीरो आ जाए तो, डेल्टा एन जी अगर जीरो आ जाए तो डेल्टा एस भी जीरो हो जाएगा, तब डेल्टा एस भी, केस थ्री लिख देना, मेरे पास टाइम नहीं है इसलिए। तो डेल्टा एस भी क्या हो जाएगा? जीरो। और डेल्टा एस अगर जीरो हो गया
तो स्ट्रेट लाइन चला जाएगा, है ना। स्ट्रेट लाइन मतलब वाई में चेंज ही नहीं होगा, आया ना। हाँ सर, ठीक है, क्योंकि वो 0 डिग्री हो जाएगा। टेन थीटा होता है ना, एम का मतलब क्या होता है, टेन थीटा। टेन जीरो कितना पे होगा, टेन जीरो कब होता है, जीरो पे। ठीक है, टेन जीरो जीरो होता है, जीरो पे ही जीरो होता पे है। ही ठीक है, होता। हाँ, तो यानी वाई में कोई चेंज ही नहीं होगा, वही तो मैं बोल रहा हूँ। जो भी होगा एक्स में सीधा लाइन, कोई दिक्कत बताइए। नहीं ठीक है, तो इन तीनों केस को जल्दी से नोट कर ले, नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा, और मुझे लगता है 10 मिनट में चैप्टर खत्म हो जाएगा। सवाल में जो टाइम लगे, उसके है ना, ब्रेक बाकी चैप्टर खत्म हो खाना। जाए।